हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ स्किन ब्राइट क्रीम की। ये क्रीम के क्या यूजेस है, क्या बेनिफिट है और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब की पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँचती रहे। तो गाइज, स्किन ब्राइट क्रीम एक मेडिकल क्रीम है। ये क्रीम का इस्तेमाल एक्ने, मिलाजमा, एज स्पॉट जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये रिंकल्स, ब्राउन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये क्रीम की प्राइजेस की बात करें तो ये 148 रुपीज़ MRP इसकी और 15 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाती है और ऑनलाइन में आपको 150 रुपीज़ तक ये क्रीम मिल जाती है। तो ये क्रीम में जैसे मेन तीन इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, हाइड्रोक्विनोन है, टेट्रिनोन है और मोमेटासोन है। तो हाइड्रोक्विनोन एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग का काम करता है, बहुत जल्दी स्किन को वाइट करता है, स्किन के मेलानिन को कम करता है और गोरा बनाता है, सुंदर बनाता है। दूसरा है टेट्रिनोन। तो अगर आपकी स्किन डल है, बेजान है, तो टेट्रिनोन का काम आता है आपकी स्किन को ऊपरी लेयर को निकाल देना, लार्ज ओपन पोर्स को कम करता है और फाइन लाइंस, रिंकल्स को भी कम करता है। तीसरा है मोमेटासोन। मोमेटासोन एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है, स्किन पे होने वाले नुकसान से बचाता है, जो स्किन पे लालपन, सूजन और खुजली हो जाती है उसके नुकसान से बचाता है। कि एस्ट्रॉइड क्रीम है और ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ये क्रीम का एक्चुअल यूजेस होता है दाग धब्बे के लिए, मिलाजमा के लिए, लेकिन कई लोग इसे एज अ वाइटनिंग, एज अ फेयरनेस क्रीम की तरह यूज़ करते हैं और कहीं लोग को तो बेनिफिट मिलता है और कहीं लोग को इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज, एप्लीकेशन की बात करें तो इसे आपको नाइट में यूज़ करना है फेस वॉश करने के बाद, एंड दिन में सनस्क्रीन का यूज़ करना है। चाहे आप घर पे हो या बाहर हो, सनस्क्रीन आपकी स्किन के सन के हार्मफुल रेस से बचाएगा। और ये क्रीम आप यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप दाग धब्बे के लिए हो, चाहे आपकी स्किन में जो भी इशू है उसके लिए आप ये क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं, तो उससे पहले डॉक्टर कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि ये एक एस्ट्रॉइड क्रीम है और ये क्रीम आपकी स्किन पे बहुत जल्दी रिजल्ट देगी, आपकी स्किन को लाइटन करेगी, ब्राइटन करेगी, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगी, दाग धब्बे को दूर करेगी। लेकिन आप इसे बहुत दिनों तक लगातार एज अ फेयरनेस, एज अ वाइटनिंग क्रीम की तरह यूज़ करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट ये क्रीम के देखे जाते हैं, आपकी स्किन को नुकसान दे सकती है। तो आपकी स्किन पहले से ज़्यादा डल हो सकती है, स्किन सेंसिटिव बना सकती है, जिसके कारण आपकी स्किन को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए गाइज, इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।